साम्राज्य आने के बाद में लोगों में एक धार्मिक आस्था के प्रति जुड़ा हुआ है, काफी लोग जो नहीं जानते थे वो भी जुड़ रहे हैं लोग, और जो तुष्टिकरण की राजनीति थी वो कम हो गई है, लोग अपने धर्म की तरफ अपने राम की तरफ आए। थोड़ा तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, अब वही कांग्रेस वापस राम की तरफ आ गई है, क्योंकि सारा जो ध्रुवीकरण है वो उधर हो गया है। हर्षोल्लास्ता के साथ हमने राम राज्य वापस लिया है और बड़ी खुशी ये बात है कि हमारे मोदी जी ने ये कार्य किया, जो बीते इतने सालों में जो चीज नहीं हुई उन्होंने किया, हम तो बहुत खुश हैं। आप बोल रहे हैं राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? पास में बना दो, साइड में बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? बताइए, रोजगार मिल रहा है युवाओं? नहीं, रोजगार नहीं, मोदी जी सबको घंटा पकड़ा दिए। तो राम राज्य नहीं, हमको राम राज्य नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन जो भी है चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ। जैसे आप सभी को पता है, मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को राम मंदिर पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदू धर्म को दे दिया है। तो यहाँ जानने के लिए आए कि राम राज्य के बाद लोगों की क्या हाल है और क्या कहना चाहते हैं उन्हें, राम राज्य अब कैसा लग रहा है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हमें मिले हैं जो कि राजस्थान से आए, आप पगड़ी देख सकते हैं इनके सरों पे, तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे, आपका परिचय जानने को। शक्ति सिंह राठौड़ नाम है मेरा और क्षत्रिय युवक संघ का आज 100वीं जन्म शताब्दी कार्यक्रम में हम यहाँ आए हैं और कार्यक्रम में बहुत अच्छा रहा, 2-3 लाख की पब्लिक थी। तो ये बताइए, क्षत्रिय समाज की आप लोग हैं, पर क्षत्रिय समाज तो बड़ा नाखुश दिख रहा था, कह रहे हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा है, सभी धर्मों के वहाँ पर पंडित थे, क्षत्रिय समाज के नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खुश हैं। और क्षत्रिय का काम तो हमेशा दूसरों का रक्षा करना होता है, बाकी जो पंडित लोग हैं उनका काम पूजा पाठ वगैरह जो भी वो कर रहे हैं तो उनकी जगह वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राम राज्य मिल गया तो क्या बदलाव आए हैं 22 जनवरी के बाद? राम राज्य आने के बाद में लोगों में एक धार्मिक आस्था के प्रति जुड़ा हुआ है, काफी लोग जो नहीं जानते थे वो भी जुड़ रहे हैं लोग, और जो तुष्टिकरण की राजनीति थी वो कम हो गई है, लोग अपने धर्म की तरफ अपने राम की तरफ आए। थोड़ा तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, पर वही कांग्रेस कहती है कि तुष्टिकरण तो भाजपा कर रही है, अब वही कांग्रेस वापस राम की तरफ आ गई है, क्योंकि सारा जो ध्रुवीकरण है वो उधर हो गया है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, राजस्थान में OPS हटा दी गई है, बंद कर दी गई है, NPS लागू कर दी गई है? नहीं, अभी कर दी है आपने, ऐसे न्यूज। राजेंद्र राठौड़ जो मंत्री है उन्होंने स्पष्ट किया है कि OPS हम कोई भी योजना जो पुरानी गवर्नमेंट ने रखी उसको ऐसे एजिटेज रखेंगे। लोकसभा चुनाव है तो कैसे देख रहे हैं, क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं लोगों? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, राम मंदिर वाला है, बहुत अच्छा माहौल है। और महंगाई और रोजगार की बात करें तो लोगों को मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और धीरे धीरे और भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो रोजगार भी मिलेगा। हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा है राम राज्य अब? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब पूर्वजों की जो आस्था थी वो जाके सपना पूरा हुआ है। वही राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, कह रहा है अगर राम मंदिर की जगह कोई अस्पताल बन जाता तो ज्यादा सही रहता। नहीं, अस्पताल की जगह बन रहा है, धार्मिक काम की जगह बन, जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या लग रहा है, राम राज्य दे दिया मोदी जी ने, राम राज्य दे दिया, थोड़ा साइड दी, राम राज्य दे दिया, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ हमने राम राज्य वापस लिया है और बड़ी खुशी ये बात है कि हमारे मोदी जी ने ये कार्य किया, जो बीते इतने सालों में जो चीज नहीं हुई उन्होंने किया, हम तो बहुत खुश हैं। तो काफी विवादों में भी रहे मोदी जी, कह रहे हैं कि विवाद चलते रहते हैं, विवाद चलते रहेंगे। हाँ, वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। पर कह रहे हैं कि राम तो पहले से ही थे, राम पहले से थे लेकिन तंबू में थे, अब वो मंदिर में आ गए। वो पोस्टर देखा था जिसमें मोदी जी उंगली पकड़ के राम को लेके आ रहे हैं, वो सब अलग बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा प्रोपेगेंडा है। किसका प्रोपेगेंडा है? कांग्रेस का। क्या कहना चाहेंगे, किसका प्रोपेगेंडा था वो? कांग्रेस का ही होगा, कांग्रेस में मीडिया का होता है, कांग्रेस का होता है, कुछ मीडिया के लोग होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है मैटर, ठीक है ना। बाकी राम मंदिर बनने के बाद में लोगों में पॉजिटिव ऊर्जा आई है, ठीक है,
और मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है ना। जैसे पहले भारत और पाकिस्तान की आर्मी की तुलना होती थी, आज भारत पाकिस्तान की आर्मी की तुलना कहीं भी नहीं कर सकते। मतलब आप पाकिस्तान भारत की आर्मी के आगे क्या टिकता है? कुछ नहीं है, ठीक है। पहले इनकी आपस में तुलना होती थी, लेकिन आज तो ये कुछ नहीं है। पर कह रहे हैं कि मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, मोदी जी थोड़े। पर मुद्दा ये किसका था? मुद्दा तो आरएसएस और बीजेपी का ही था ना, कांग्रेस ने इसको कब उठाया? कैदी तो ये लेंगे ना। पर कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला तोड़ा था राम मंदिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पर भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की थी, तो ज्यादा कौन सी अच्छी सरकार है? नहीं, बीजेपी की अच्छी है वहाँ पर। यूपी वाले खुद मानते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। गहलोत की कैसी सरकार थी वहाँ पर? गहलोत की भी अच्छी थी। हाँ। गहलोत की भी अच्छी थी, लेकिन वहाँ तो क्या है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। गहलोत ने भी बहुत सारे काम अच्छे करवाए, ठीक है। बीजेपी आई है, बीजेपी भी उन कामों को आगे जारी रखेगी। जैसे आप ओपीएस का बता रहे थे, ओपीएस हटी नहीं है, ओपीएस अभी भी लागू है। नहीं, वो खाली एक दो ऑर्डर ऐसे गलत के आए थे कृषि विभाग के, जो वापस विड्रॉ कर लिए गए। ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी जीत होने वाली है? कौन सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगा? बीजेपी लेके आएगी। बीजेपी कितने पार? यही कोई 300 पार। 300 पार जी। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे राम राज्य के बाद? क्या है राम राज्य? बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए। आज नहीं, आज या 100 साल पहले भी आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता हमारे। हाँ। सबके लिए पहले मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देते, ज्यादा सही रहता। अस्पताल से क्या होता? हाँ। जब पुराने समय में कोई अस्पताल था? हाँ। नहीं था ना। हाँ। तो तभी आदमी जीवित था, चल रहा था काम, तो अभी भी चलेगा जैसे पहले चल रहा था। हाँ। प्राचीन समय में कुछ था पहले अस्पताल? हाँ। वेदों से होता था इलाज। अच्छा। तो आप वेदों से होगा इलाज? हाँ, वेदों से होना चाहिए ना। हाँ, कर दिए जाए, क्या दिक्कत है इसमें? जब वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? साइंस की टेक्नोलॉजी बंद कर नहीं, साइंस की टेक्नोलॉजी तो बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो भी है, और मंदिर के जो लिए जो भी फंड दिया है, वो तो जो हिंदू राष्ट्र ने जो भी इतने बड़े बड़े नेता उन्होंने दिया है, तो सरकार ने तो नहीं दिए ना। वेदों के पास जाएंगे, पर क्या वेदों का ज्ञान सभी को होता है? नहीं, सभी को नहीं होता। टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? कहाँ से आई टेक्नोलॉजी? साइंस कहाँ से आई? वेदों से तो आई थी ना, सबसे पहले वेद ही थे ना। तो फिर कहाँ से अस्पताल बनाना? राम मंदिर बन के बुरी बात है क्या? राम मंदिर बनने से अस्पताल बंद हो जाने चाहिए? ये कौन बोल रहा है अस्पताल बंद हो जाए? नहीं, तो वो आप बोल रहे हैं राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? पास में बना दो, साइड में बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? कहीं और बना दो, 10 किलोमीटर दूर बना दो। रोजगार मिल रहा है या? युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है। हम तो कभी भीख मांग के नहीं खाए, हम तो कमा के खा रहे। नहीं, युवाओं को रोज भाई जो काम करना चाहेगा ना उसको रोजगार मिल रहा है। जो पोगटा खाना चाहते उसको उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। जी मिल रहा है, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। काम है क्या मैडम? काम है क्या बताओ तुम? कहीं पर काम है? कम है काम? महंगाई फुल हो गई, महंगाई हो रही है मैडम। महंगाई है या नहीं है? जी महंगाई है। रोजगार मिल रहा है युवा? रोजगार कहाँ है जिनके लिए कर रहे हैं वो? हाँ। रोजगार है करने वालों के लिए कमी थोड़ी है मैडम। हाँ। ना करने वालों के लिए कमी है। अच्छा, बताओ आप बताइए, रोजगार मिल रहा है युवा? नहीं, रोजगार नहीं, मोदी जी सबको घंटा पकड़ा दिए। राम राज्य दे नहीं, हमको राम राज्य नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हाँ। एजुकेशन जो भी है चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमको राहुल गांधी, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने एक दिन बस। पर अब तो नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, गठबंधन तोड़ने से क्या करिएगा? मैं बिहार से हूँ, मैं राहुल गांधी को वोट देने वाला हूँ इस बार। नीतीश कुमार ने तो ठुकरा दे दिया। वो तो पलटू राम है, वो तो आते जाते रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस? कांग्रेस लाएगी 300+ लाएगी। पर राहुल गांधी को कहते हैं सत्ता पक्ष, उनको बोलना नहीं आता, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती। पहली बात है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं हमेशा। आपको पता है कौन बोलते हैं? हमें नहीं पता। नहीं, आप समझ सकते हैं कौन बोलते हैं। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बहुत सफल होगी, बहुत उसे अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, किसे देखने इस बार प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को अच्छा लग रहा है? सब काम अच्छा है, पूरा देश उनके नाम से, हर काम उनका अच्छा हो रहा है। कैसा लग रहा है नरेंद्र मोदी का? वेरी स्मार्ट बॉय, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, आई लव यू।
मैं माफी चाहता हूँ। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, ये बताइए कैसा लग रहा है राम राज्य मिल गया सभी हिंदुओं को? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम एक नंबर, एक नंबर। सबका विकास हो, सबका विकास हो रहा है, हो रहा है। आप क्या कहना? बिल्कुल हो रहा है मैडम, बिल्कुल। महंगाई की बात करें तो महंगाई है या नहीं? महंगाई थोड़ी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए सहन करना पड़ेगा अपने को, लेकिन आगे जाके फायदा मिलेगा इसका। अच्छा, राहुल गांधी 12 जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? कुछ नहीं, ये फॉर्मेलिटी है मैडम, कुछ दिखावा है बस। दिखावा है? बिल्कुल मैडम। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? तो एक ही रहेंगे मोदी जी, दूसरा आना नहीं। लाइफ टाइम रोजगार मिल रहा है या नहीं? रोजगार ताबड़तोड़ 1-1 करोड़ रुपए सबके खाते में। आपके में आए नहीं आ गए, तभी तो घूमने आ गए। अच्छा ओके। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? कुछ नहीं, मैं ये बताइए रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। अब राम राज्य भी मिल गया, राम राज्य मिल गया। तुम बोल लो, आ जाओ। मिल गया बेटा राम राज्य, आएगा देखिए, आएगा मैम, आएगा राम राज्य। 22 जनवरी की बात ही आ गया है मैम, आएगा और भी बढ़ेगा ना, यहाँ पे बैठेगा ना सब। ये अच्छा, कौन हटेंगे? ये जो मस्जिद पे जीते से बताएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, यहाँ जानने के लिए आए थे कि राम राज्य मिलने के बाद लोगों का क्या हाल है, क्या कहना है, क्या उनके अंदर उत्साह है। पर काफी बातें निकल कर आए कि राम राज्य मिल गया, अब अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, वेदों से इलाज होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। पर देखना यही होगा लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या सियासी माहौल इस बार बनने वाला है, सबकी नजर रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।